नंबर यही क्वेश्चन है ना, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए सेकंड नंबर से, ए वन बराबर है ए, बी वन बराबर है आपका बी और सी वन बराबर है सी, ए टू बराबर है बी, बी टू बराबर है आपके पास ए और सी टू बराबर है वन प्लस सी। आप यहाँ लिखेंगे व्रज गुणन विधि, ठीक है, व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि। तो व्रज गुणन विधि में आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, एक्स यहां लिखते हैं, यहाँ वाई लिखते हैं। अब देखिए इसमें आपको देख रहे हैं कि अचर जो है यानी कि सी वन सी टू जो है बराबर के दाहिने तरफ है ना, तो यहाँ माइनस लगता है ना, माइनस लिखा जाता है, याद है आपको। चलिए यहाँ बताया था आपको रूल बी सी, याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको जो बताए थे, बी सी हो गया। फिर यहाँ बताया था सी ए, सी ए यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ टू। फिर इसके बाद बताए थे ए बी, ए बी वन वन टू टू, समझ गए। अब ये जो वैल्यूज है यहाँ पे रखेंगे तो x बटा में b b1 c1, देखिए b1 c1 यानी कि b और c है। अच्छा b2 c2 क्या है, तो a है और 1 प्लस c है, ठीक है। y बटा में c1 a1 तो c और a, और c2 a2 तो 1 प्लस c और b, 1 प्लस c और b, क्लियर है। अच्छा चलिए माइनस वन बाई ए बी है, ए वन बी वन है तो ए बी है, और ए टू बी टू है तो बी और ए है, बी और ए है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एक्स बटा में यहाँ गुना करेंगे ना तिरछा, तो जगह बी प्लस, डायरेक्ट गुना कर देना है, बी प्लस बी सी माइनस में ए सी, वाई बटा में यहाँ पे क्या होगा, बी सी माइनस में ए माइनस में ए सी, इसमें भी गुना कर दिया, समझ रहे ना, बराबर माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। ये तो जुड़े घटेगा नहीं, अब अलग अलग बांट देते हैं यहाँ के बाद। देखिए ये भी कितना सिंपल बन जा रहा है, तो ब्रज गुणन विधि भी आपको यहाँ पे आसान लग रही होगी, बी एक्स बटा बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर में माइनस वन बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी वाई बटा बी सी माइनस ए माइनस ए सी बराबर माइनस वन बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जाएगा ना उधर तो सबका साइन बदल देगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा वहां पे माइनस का बी, माइनस का बी सी और प्लस का ए सी, और नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी वाई बराबर, यहाँ भी जाके सबका साइन बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस का बी सी प्लस का ए और प्लस का ए सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके अनुसार अगर इसको सजाइएगा तो एक्स बराबर, देखिए इसको आपको सजाना होगा। हम लोग ये एसी जो है ना, एसी इसको पहले कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस का बी सी और फिर लिखते हैं माइनस का बी और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी चलिए, इसमें क्या करते हैं ना, एसी को यहाँ भी पहले करते हैं और माइनस का बी सी और प्लस का ए, यही ना है, और बटा में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स बराबर, देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन सी, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी माइनस बी बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से वाई बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सी ए माइनस बी प्लस ए बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए तो आगे